योगी के फैसले से हिला यूपी, विपक्षी दलों को लगा 440 वोल्ट का झटका। योगी सरकार के एक्शन से शुरू हो गई 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी। सीएम योगी ने कई धाकड़ मंत्रियों को दी जिलों की कमान, करना होगा ये काम। इधर बीजेपी को घेरते रहे अखिलेश, उधर योगी ने चल दिया तगड़ा मास्टर स्ट्रोक। खुद योगी ने संभाली 25 जिलों की कमान, दोनों डिप्टी को भी मिला बड़ा काम। क्यों हुआ भारी फेरबदल, क्या है योगी की रणनीति, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ यानी बुलडोजर बाबा अपने ताबड़तोड़ एक्शन के लिए जाने जाते हैं। बात चाहे माफियाओं, बाहुबलियों, बदमाशों और दुष्कर्मियों को मिट्टी में मिलाने की हो, योगी पुष्पा स्टाइल में बिना रुके या बिना झुके फायर करते हैं। तभी तो योगी जैसे मुख्यमंत्री की मांग देश का हर राज्य करता है। योगी न केंद्र के इशारे पर चलते हैं, न ही विपक्ष के द्वारा किसी मामले पर घेरे जाने पर रुकते हैं। योगी के मन में जो चलता है वो कोई भांप नहीं पाता। योगी मतलब अपराधियों का काल। वहीं अपने अधिकारियों, नेताओं और मंत्रियों पर भी एक्शन लेने या उनके ट्रांसफर में जरा भी देरी नहीं लगाते। योगी कब क्या कर बैठे ये कोई नहीं समझ सकता। राजनीति के नजरिए से लोग भले ही अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहते हैं, लेकिन असल में अमित शाह से भी बड़े चाणक्य योगी आदित्यनाथ हैं। योगी का दिमाग जितना चलता है उतना शायद विपक्षी दल कभी चला ना पाए। यूपी में अगले विधानसभा चुनाव में करीब 3 साल का वक्त बाकी है, लेकिन कुछ ही महीनों में यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर योगी कोई भी गलती या चूक नहीं करना चाहते। ऐसे में योगी के कामकाज और एक्शन से ऐसा लग रहा है कि वो अभी से तैयारी में जुट गए और इस बार अखिलेश यादव को हार की हैट्रिक का तोहफा देने के लिए अपना कदम बढ़ा चुके हैं। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में यूपी के 75 जिलों के प्रभारी में बड़ा फेरबदल कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार और सीटों में हुए नुकसान की वजह से ये चर्चा कई महीनों से सुर्खियां बटोर रही थी। ऐसे में भाजपा अपने सदस्यता अभियान को पूरा करने के बाद कदम उठाएगी। ऐसे में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने बड़ा फैसला कर दिया। 75 जिलों के प्रभारी की लिस्ट में कई कैबिनेट मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। पहले जो जिस जिले के मंत्री थे अब उन्हें दूसरे जिले का प्रभार दिया गया। आगे हम आपको बताएंगे योगी सरकार में किन खास मंत्रियों को कौन सा जिला सौंपा गया, लेकिन उससे पहले योगी ने प्रभारी बनाते हुए अपने सभी मंत्रियों को क्या खास चेतावनी और जिम्मेदारी सौंपी है, पहले वो जान लेते हैं। सीएम योगी ने खुद और साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक को भी 25-25 जिलों की कमान सौंपने के बाद कहा कि हमें इन सभी जिलों में दौरा भी करना है। वहीं आने वाले समय में रोटेशन के आधार पर बदलाव होगा। सभी मंत्रियों को तालमेल और संगठन के साथ लेकर चलना होगा। लोक कल्याण की नीतियों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाना होगा। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ होना है। सभी प्रभारियों को अपने अपने जिले का प्रभार संभालना होगा। प्रभारी मंत्री को महीने में एक बार 24 घंटे के लिए अलॉट किए गए जिले में प्रवास करना होगा। प्रवास के दौरान सभी जिले के लोगों को एक साथ बिठाकर समस्याओं की रिपोर्ट तैयार करनी होगी। रिपोर्ट तैयार कर उस रिपोर्ट को सीएम ऑफिस तक भी पहुँचाना होगा। सभी शिकायतों का निस्तारण होना चाहिए। विकास परियोजनाओं का सत्यापन होना चाहिए। सरकार के कामकाज का प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। साथ ही सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी निरीक्षण किया जाना चाहिए। अब जान लेते हैं सीएम योगी ने अपने कौन से मंत्री को किस जिले की कमान सौंपी है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को अयोध्या और बहराइच का प्रभार मिला। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को वाराणसी और लखनऊ का प्रभार मिला। स्वतंत्र देव सिंह को गोरखपुर और प्रयागराज का प्रभार मिला। बेबी रानी मौर्य को झांसी और हाथरस का प्रभार मिला। गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी को अलीगढ़ और कासगंज का प्रभार मिला। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को आगरा और फरुखाबाद का प्रभार मिला। पशुधन मंत्री धर्मपाल को मेरठ और उन्नाव का प्रभार मिला। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी को मिर्जापुर और बांदा का प्रभार मिला। अनिल राजभर को आजमगढ़ और सिद्धार्थनगर का जिम्मा मिला। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय को कानपुर नगर और फिरोजाबाद का प्रभार मिला। संजय निषाद को कानपुर देहात, ओम प्रकाश राजभर को सुल्तानपुर का प्रभार मिला। तो ये यूपी के बड़े महानगरों और खास जिलों के प्रभारियों की लिस्ट है। बाकी कई और मंत्रियों को अलग अलग जिलों की कमान सौंपी गई। फिलहाल सभी प्रभारी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदारियां सौंप दी।
सभी के कंधे पर साल 2027 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।